इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरान के हमले से अमरीकी फौजियों को दिमागी चोटें आई हैं। पेंटागन ने तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर कहते हैं कि अहलकार ज्यादा जख्मी नहीं हुए, बस उनके दिमाग मुतासर हुए हैं। पेंटागन ने तस्दीक की है कि ईरान के जवाबी हमले के नतीजे में इराक में तैनात 34 अमरीकी फौजी अहलकार इस कदर दबाव का शिकार हुए कि उनका दिमाग बुरी तरह से मुतासर हुआ और खौफ की वजह से उन्हें मुसलसल सरदर्द की शिकायत। पेंटागन की जानिब से जारी होने वाले ऐलानी में बताया गया है कि रवा माह इराक में होने वाले ईरानी हमले के बाद से अब तक 34 ऐसे फौजी अहलकार सामने आए जिनके दिमाग बुरी तरह से मुतासर हुए। ऐलानी के मुताबिक ईरानी हमले से मुतासर 34 में से 17 अहलकार जर्मनी, 16 इराक और 1 कुवैत में जेर इलाज है। तमाम अहलकारों को सेहत याब होने के बाद अमरीका वापस बुला लिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुज़िश्ता दिनों इस बात की तस्दीक करते हुए कहा था कि मैंने सुना है कि इराक में तैनात अहलकारों को मुसलसल शदीद सरदर्द है। अब मेरी नज़र में वो ज्यादा जख्मी नहीं हुए, बस उनके दिमाग मुतासर हुए हैं। इराक के दारुलहुकूमत बगदाद में अमरीकी ड्रोन ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को टारगेट किया था, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाबहक हो गए थे, जिसके जवाब में ईरान ने अगले ही रोज इराक में कायम फौजी अड्डे को मिसाइलों से निशाना बनाया था, जिससे अमरीका को माली नुकसान का सामना करना पड़ा था।